भारत का संविधान अनुच्छेद 125, न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 125 एक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है। दो, प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारियों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है हकदार होगा। परंतु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 127 एक, यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त ना हो तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नाम निर्दिष्ट करे न्यायालय के बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। दो, इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 128 इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने का कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा, और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे उस प्रकार अनुरोध किया जाता है इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस न्यायालय के न्यायाधीश
नहीं समझा जाएगा, परंतु जब तक यथा पूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने का कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है, तब तक उस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। उच्चतम न्यायालय का स्थान, अनुच्छेद 130। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिवेशित होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए क, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या ख, एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरे और एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, या ग, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में यदि, और जहां तक उस विवाद में विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्विलित है जिस पर किसी विधिक अधिकारी का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो और वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसे संधि करार प्रसंगविदा वचनबद्ध सन्नद या वैसी ही अन्य लिखित से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात परिवर्तन में है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। अनुच्छेद 131 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिकता वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय के अनन्य अधिकारिता संविधान 45वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 4 द्वारा 13-4-1978 से निरसित। अनुच्छेद 132 एक, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का न्यायालय की, अनुच्छेद 132 एक, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। अनुच्छेद 132 एक, भारत में राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सर्वान प्रश्न अंतर्विलित है। तीन, जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया जाता है वहां उस मामले में कोई पक्षधर इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अंतिम आदेश पद के अंतर्गत ऐसे विवादक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चय किया जाता है तो उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा।